एवरीवन, वेलकम टू टेक क्रिटिक अगेन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फायरबॉल्ट की थंडर वॉच। बहुत सस्ती रेंज की वॉच है, जस्ट टू शो यू क्या ये कामयाब है कि नहीं, क्या ये वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है, इस पे 1400-1500 रुपए खर्च करने भी जायज है कि नहीं। तो लेट्स सी, इसको खोल के साथ देखते हैं, चेक करते हैं, फिर आपको भी बताते। तो सबसे ऊपर हम देखें तो फायरबॉल्ट की प्रिंटिंग है, वंडर इसका नाम है वॉच का। ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.8 इंचेस फुल टच डिस्प्ले, एमएस धोनी सिग्नेचर है और एमएस धोनी की एक पिक्चर दी गई है। साइड एंगल में देखें तो ब्लूटूथ कॉलिंग, इनबिल्ट गेमिंग, कुछ इनबिल्ट गेम्स इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। 120 स्पोर्ट्स मोड्स की प्रॉमिस करती है कंपनी। म्यूज़िक है बैक में, जस्ट कुछ जो इसके सेंसर्स हैं, जो SPO2 हर्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग एंड सम वेदर अपडेट्स। 8 टाइप की थीम मोड्स हैं इसके अंदर। इस साइड पे देखें तो वॉइस असिस्टेंट का है हमें दिया गया। तो इस रेंज में देखते हैं हमें अंदर क्या मिलता है, खोलते हैं इसको और चेकआउट करते हैं क्या निकलता है। सबसे ऊपर हमें इसकी फायरबॉल्ट की मैनुअल दी गई है, तो मैनुअल को करते हैं साइड में। इस यूनिट को एक बार बाहर निकालते हैं, अंदर तो देखें तो टिपिकल फायरबॉल्ट के जस्ट बोट की तरह जैसे होते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन एंड वारंटी कार्ड। अगेन मैग्नेटिक चार्जर जो इस रेंज में हमें देखने को मिलता है, 2 पॉइंट मैग्नेटिक चार्जर है इसके अंदर। इसको भी करते हैं हम लोग साइड में और मेन यूनिट को लाते हैं सामने। ऊपर से फायरबॉल्ट की स्टिकर को निकालते हैं एंड इसको ऑन करते हैं एंड चेकआउट करते हैं कि किस टाइप की वॉच हमें फायरबॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो 1.8 इंचेस की इसकी LCD डिस्प्ले है। बीजल्स जो हैं इसमें वो बिल्कुल अनइवन है, दैट मीन्स आपके ऊपर से काफ़ी कम है, बट अगर आप इसी को नीचे से देखेंगे तो काफ़ी आपको बड़ा दिखाई देगा। अगर आप देखें तो काफ़ी अनइवन बीजल है। 1.8 इंचेस की डिस्प्ले है इसकी। तो बात करें इसके सिलिकन की, तो सिलिकन की क्वालिटी ठीक है, काफ़ी ठीक है। पीछे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल लगा हुआ है, साइड में भी वही है। सिंगल एक बटन है, सिंगल बटन से ही सब कुछ हैंडल हो रहा है, ऑफ ऑन। और यहाँ पे ऊपर बकल में फायरबॉल्ट की प्रिंटिंग है। अंदर इसकी बात करें तो अंदर इसका 240x286 पिक्सल्स का डिस्प्ले है और 120 पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जो सबसे मेन इस वॉच की हाईलाइट है, वो है 120 स्पोर्ट्स मोड। इसमें एक्सरसाइज में आपके सारे मोड आ जाते हैं और आपको कोई ऐड करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। अंदर जाके पॉपुलर वाटर स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग्स, डांस, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, बॉल स्पोर्ट्स एंड अदर स्पोर्ट्स, एनी थिंग यू वॉन्ट टू ऐड, यहाँ से आप एक्सरसाइज में उसको ऐड कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट इसके अंदर दिया गया, आपका सीरी AI जो भी गूगल असिस्टेंट सब इसमें काम करता है, आपका पूरा वॉइस असिस्टेंट है। बाकी स्टेप काउंट और ये सब तो हर्ट रेट, SPO2 रूटीन में आप देखेंगे वो मोस्टली वॉचेज में मिल जाते हैं। कुछ इसके अंदर इनबिल्ट गेम्स दी गई हैं, 2048 यंग बर्ड, मोस्टली यही गेम्स हर जगह हर उसी में चलती हैं। 5 डेज का बैटरी पैकअप प्रोवाइड करती है ये कंपनी के अकॉर्डिंग। और अगर स्टैंड बाय टाइम की बात करें तो स्टैंड बाय टाइम इसका 27 से 28 दिन का है। IP67 की इसकी रेटिंग है, दैट मीन्स हल्के फुल्के पानी के उससे ये बचा लेगा वॉच को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉच फेसेस की बात करें तो वॉच फेसेस कुछ तो इसके अंदर हमें इनबिल्ट मिलते हैं, बाकी ऐप से कनेक्ट करके आप लोग आगे चेंज कर सकते हैं, एडिशनल अपने डाल सकते हैं। 8 कलर में ये वॉचेस आती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे वॉच में। बात करें इस वॉच के पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो यस थोड़े से लैक है वॉच में, टच एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस रेंज में हमें और भी कई वॉचेस हैं जो इससे बेहतर टच एक्सपीरियंस दे रही हैं, दे पा रही हैं, तो उस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया है। बट यस, सेंसर्स आर वर्किंग गुड और काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। IP67 दिया गया है, इनबिल्ट गेम्स दी गई हैं, बैटरी का काफ़ी अच्छा है,
दैट मीन्स जो इसका यूजेज है काफ़ी अच्छा चल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बहुत पॉजिटिव भी हैं, बट एक दो चीज़ें बहुत नेगेटिव भी हैं, जैसे 120 पोर्ट्स मोड डाल देना, इतने की ज़रूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर डिवाइस में डालने की। और बाकी बात करें इसके डिज़ाइन एंड पैटर्न की, तो डिज़ाइन एंड पैटर्न बहुत यूनिक नहीं है, जस्ट नॉर्मल इस रेंज में जो आती हैं उसके जैसी है। इसका एक क्रैश टेस्ट हम आपको अभी करके दिखाते हैं, तो लेट्स सी क्रैश टेस्ट में ये सर्वाइव करती है। हम लोग अब इसका क्रैश टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं कि ये इसका थोड़ा बहुत भी एटलीस्ट सर्वाइवल है कि नहीं है। तो क्रैश टेस्ट इसने सर्वाइव किया है, और इस रेंज में मैं कहूँगा कि ये वॉच खरीदी जा सकती है। देयर लॉट थिंग्स Firebolt is giving in this watch. So, इसी टाइप के और प्रोडक्ट्स के लिए, वॉचेस के लिए, चीज़ों के लिए आप लोग हमें कमेंट कीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो, और ये कैसी लगी आपको, अच्छी नहीं लगी या हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। टिल देन सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए टेक क्रिटिक को, ताकि मिलते रहें दोबारा इसी वीडियो के माध्यम से।